दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव से शहर तक में। दोस्तों हम लोग पिछले 4 लेक्चर से ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं या ये जाना और समझा कि किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें किन किन बातों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या आपके कंप्यूटर में होने चाहिए और क्या बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले, वो हम लोग 4 लेक्चर में सीख चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग इस लेक्चर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक प्रोग्राम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले पिछले वीडियो को हम देख लेते हैं कि क्या हम लोगों ने कवर किया था, हाउ टू इंस्टॉल डॉस बॉक्स। दोस्तों किसी भी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि एक IDE की ज़रूरत पड़ती है, एक एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो सी प्रोग्रामिंग हमें करने के लिए या सी प्रोग्रामिंग का हमें प्रोग्राम सीखने के लिए हमें एक IDE की ज़रूरत पड़ेगी। वो नोट पैड पर भी होती है, बट IDE कस्टमाइज्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए क्या होता है कि हमारी प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम को सीखना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसी कड़ी में दोस्तों हम डॉस बॉक्स नाम का एक एडिटर सेलेक्ट किए हम लोग और उसको हम लोग सिस्टम पे पिछले वीडियो तक इंस्टॉल कर चुके हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे हम समझते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्राम। तो दोस्तों प्रोग्राम क्या होता है, जैसे कि दोस्तों हम डेली कोई ना कोई हम लोग प्रोग्राम अपने रियल लाइफ में बनाते रहते हैं। रियल लाइफ के ही एक प्रोग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर के प्रोग्राम और हमारे रियल लाइफ के प्रोग्राम में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। बेसिकली रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को सॉल्व करने के लिए या जो भी कुछ हमारे लाइफ में चीज़ें हैं उनको सॉफ्टवेयर में डालने का ही एक जो है यह प्रक्रिया है। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि किसी बंदे का बर्थडे है ना, तो बर्थडे में दोस्तों क्या होता है कि एक हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। अगर बहुत बहुत बड़े लोगों का बर्थडे होता है तो बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है, उन्हें घर में नहीं बल्कि एक टेंट हाउस में मनाया जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि इस प्रोग्राम में हम उसी एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे, एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेकर के, कि मान लीजिए कोई XYZ बंदा है, उसका बर्थडे है, उसकी प्रोग्राम डिजाइन करनी है हमको। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा कि प्रोग्राम जब हम डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखा गया कि कमेंट्स, आप देख पा रहे होंगे कि XYZ प्रोग्राम के आगे एक कमेंट्स लिखा गया है। तो जब कोई भी प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो उसके बारे में थोड़ा सा हम ऊपर 2 लाइन 3 लाइन जितने में भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो जो चीज़ें जो दोस्तों शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम जो लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम के बारे में उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स बोलते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा किसी भी प्रोग्राम को, जैसे कि आप भी देखते होंगे मान लीजिए कि किसी कॉलेज में आप हैं तो उसमें जो है कि हर क्लास का एक रजिस्टर होता है और रजिस्टर एक टाइप के होते हैं। तो दोस्तों उसके ऊपर जो लिख दिया जाता है कि ये 5th क्लास का है, 6th क्लास का है या N क्लास का है, ताकि कोई भी टीचर आता है तो उसे जो है ऊपर से ही देख करके समझ जाए कि ये हमारा रजिस्टर है, हमें लेके जाना है। तो उसी तरह से दोस्तों अपनी प्रोग्राम जब हम करेंगे हम लोग तो उसके ऊपर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो कि प्रोग्रामिंग स्टाइल में या प्रोग्राम करने से पहले हमें लिखना चाहिए कि ताकि कोई भी नया बंदा आए तो पहले कमेंट्स को पढ़ के समझ जाए कि आगे हम किस प्रोग्राम को देखने वाले हैं या किस प्रोग्राम को समझने वाले हैं। तो दोस्तों इसे बोलते हैं कमेंट्स। अब दोस्तों सेकेंड एलिमेंट आता है दोस्तों हैश इंक्लूड, जो आपको सबसे पहला करेक्टर दिखा उसे हैश बोलते हैं, इंक्लूड studio.h। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं दोस्तों। ये क्या होते हैं दोस्तों, अभी आप मोटी मोटा समझ लीजिए कि जब कोई प्रोग्राम हम कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे घर की होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं हमें इनबिल्ट कहीं से मंगाते हैं, कोई चीज़ होती है इनबिल्ट मंगाते हैं कोई चीज़। जैसे आप प्रोसेस ये कर लीजिए कि प्रोसेस फूड मंगा लें यदि हम,
या मतलब बर्गर पिज्ज़ा मंगा लें तो बना बनाया आ जाए अगर हमारे घर में, तो उसी तरह से क्या होता है कि एक पार्ट ऐड हो जाता है उस फंक्शन के अंदर। तो उसी तरह से दोस्तों क्या होता है कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एक, यह भी एक प्रोग्राम, चंक ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनका एक रेफरेंस हम इस तरह से लेते हैं। इसके बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर हम लोग पढ़ चुके हैं, उनसे इसका क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो बस यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि कमेंट्स लिखते हैं, कमेंट्स के बाद क्या करते हैं दोस्तों कि जो चीज़ें हम कुछ चीज़ें बाहर से ला करके हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर हमें यूज करनी पड़ती है, जब हम अपने घर में प्रोग्राम डिजाइन कर रहे होते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें क्या करते हैं दोस्तों, हम घर पर न बनवा करके या घर पर न कर करके हम कहीं से मंगा लेते हैं, तो उस प्रोग्राम में हम उसे शामिल कर लेते हैं। उसी तरह से दोस्तों यह भी एक पार्ट है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बहुत अच्छी तरह से हम लोग क्लियर करेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे इसको, और बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दोस्तों एलिमेंट है स्ट्रिंग वाटर। हमने स्ट्रिंग वाटर क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों स्ट्रिंग एक कीवर्ड है, अगर आप थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग जानते हैं तो आप समझते होंगे, नहीं जानते तो कोई नहीं, इसकी इन सारी बातों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए स्ट्रिंग वाटर ये सबसे ऊपर लिखा गया। किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमने बोला कमेंट्स, फिर उसके बाद जो है ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स आती हैं, उसके बाद दोस्तों हम कोई ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल का क्या मतलब है दोस्तों, जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं जैसे बर्थडे का प्रोग्राम है दोस्तों, तो उसमें क्या होगा कि अगर टेंट हाउस में मना रहे होते हैं तो जब हम मेन गेट से घुसते हैं, मेन गेट से घुसते ही ढेर सारे टास्क परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, जैसे कहीं पे स्टॉल लगा हुआ है स्वीट्स का, कहीं स्टॉल लगा हुआ है खाने का, कहीं स्टॉल लगा हुआ है यू नो आइसक्रीम का, कहीं स्टॉल लगा हुआ है किसी और प्रोग्राम, किसी और भी जैसे कि यू नो क्या कह सकते हैं जैसे कि गोलगप्पे का, तो ये सारे टास्क वहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे होते हैं दोस्तों। तो जो टास्क होते हैं उनको हम बेसिकली फंक्शन बोलते हैं, है ना, किसी भी प्रोग्राम की क्या है वो फंक्शन है, वो टास्क है। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक आइसक्रीम का टास्क है, एक जो है खाने का टास्क है, एक कहीं पे स्वीट्स का टास्क है, तो दोस्तों क्या होता है कि उसमें जो वाटर का जो एक पार्ट है, तो वाटर कहीं पे रखा जाता है, और हर बंदा चाहे वो आइसक्रीम वाला बंदे को हाथ धुलने की बात ही बात हो, चाहे स्वीट खाने के बाद पानी पीने की बात हो, चाहे फिर जो है खाना खाने के बाद पानी की बात हो, वो हर कोई बंदा उसी जगह जाता है जहाँ पे पानी रखा जाता है। मीन्स कि हर कोई बंदा जिस चीज़ को एक्सेस कर सके, जिस पार्ट को हर कोई बंदा एक्सेस कर सके, हर कोई बंदा जिस पार्ट को आसानी से जाके ले सके, पूछने की जरूरत ना पड़े, और हर कोई उस पार्ट का यूटिलाइज कर सके, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल वेरिएबल। मीन्स दोस्तों कि अपने प्रोग्राम के अंदर इस वाटर का इस्तेमाल हम हर जगह करेंगे, जो भी फंक्शन, जो भी टास्क लिखा जाएगा, जो भी टास्क होगा उस टास्क में हम इसका यूज करना है, इसलिए हमने सबसे ऊपर लिख दिया ताकि सभी लोग इसको एक्सेस कर सकें। तो जो कॉमन एरिया है दोस्तों, एक तरह से कह लिया जाए कि जो वाटर का स्टॉल है वहाँ पे, वो कॉमन पार्ट है, वो कॉमन एरिया है जिसको सभी लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो जो कॉमन एरिया होता है दोस्तों, जो सभी लोग एक्सेस कर सकें, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल, उसको हम ग्लोबल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रिंग वाटर ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अब दोस्तों जैसे हमने बताया कि जब कोई प्रोग्राम हो रहा होगा, टेंट हाउस में हो रहा है, तो आप मेन गेट से घुसते हो, मेन कोर्ट गेट से घुसने के बाद ही आप जो है अलग अलग टास्क को, अलग अलग फंक्शन को आप एक्सेस कर पाओगे, अलग अलग टास्क को। यानी मेन गेट से आप, अगर मेन गेट आपको नहीं पता है तो ना तो आप जो है इनो की ना तो आइसक्रीम का स्टॉल पे पहुंच पाओगे आप, ना तो खाने के स्टॉल पे पहुंच पाओगे आप, और ना ही जो है स्वीट्स के स्टॉल पे पहुंच पाओगे दोस्तों। तो मेन गेट अगर पता है तो मेन गेट जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेन जो फंक्शन आपको दिख रहा है, जो लिखा हुआ है यहाँ वायर्ड मेन, तो वायर्ड मेन क्या है कि एक प्री डिफाइंड एक फंक्शन होता है जो ये बताता है कि यहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, यानी कोई भी चीज़ होगी इसी के अंदर होगी, यहीं से हम कहीं और जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मेन फंक्शन है ये, और मेन फंक्शन के बाद आप देख रहे होंगे इंट वाई, लोकल वेरिएबल वाई इक्वल टू 30, एक्स इक्वल टू स्टेटमेंट, स्वीट्स, आइसक्रीम, है ना। तो इस तरह से दोस्तों सपोज दैट कि ये जो लोकल वेरिएबल मींस क्या होता है, लोकल वेरिएबल का मतलब हो गया दोस्तों कि वह उसी फंक्शन के अंदर सिर्फ एक्सेस हो सकती हैं, उसी फंक्शन के अंदर जो है कि यूटिलाइज होंगी, वो बाहर कहीं एक्सेस नहीं हो सकती, कोई दूसरा फंक्शन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। मीन्स कहने का क्या हुआ कि जो जो एलिमेंट, जो वस्तु
आपके सिर्फ अपने घर के अंदर यानी प्राइवेट एरिया के अंदर एक्सेस होती हैं, दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट वेरिएबल, सॉरी लोकल वेरिएबल, तो उसी के अंदर एक्सेस होंगे दोस्तों। उसके बाद इन्हीं को जो आप इंट वाई वाई इक्वल टू 130 एक्स इक्वल टू 0 इन्हें क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स बोलते हैं या इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं दोस्तों किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। स्वीट्स, आइसक्रीम, ये आपकी जो स्टॉल लगे हैं उसको हम एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एक टास्क के तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब स्वीट और आइसक्रीम नाम के जो फंक्शन है दोस्तों, इनमें क्या हो रहा है, इनमें क्या होगा, इसकी डिटेल्स हमें लिखी जाएंगी। तो ये तो हो गया आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो क्या होता है, यहीं से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, मेन गेट की तरह होता है। अगर मेन गेट का पता नहीं है तो आप प्रोग्राम में कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे, किसी भी टास्क या किसी भी स्टॉल को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उस तरह से मेन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेन के जरिए ही हम हर जगह पहुँचते हैं। तो दोस्तों क्या होगा कि दूसरा हमने एक फंक्शन बनाया स्वीट, जिसको हम बता रहे हैं कि स्टॉल के तौर पे अगर स्टॉल लगाया है, अगर किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो हमारा जो बर्थडे का प्रोग्राम है उसमें स्वीट का जो टास्क है या स्वीट का जो स्टॉल है वहाँ पे जाकर के आपने देख रहे होंगे दोस्तों स्ट्रिंग वाटर नेम। वाटर नेम क्या है दोस्तों, यहाँ पे लोकल वेरिएबल है, या स्वीट नेम, जो स्वीट नेम लिखा हुआ वो कहीं और एक्सेस नहीं हो सकता। स्वीट नेम के अंदर हम क्या डाले हैं, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन क्या हुआ दोस्तों कि ये जो गुलाब जामुन है वो सिर्फ कहाँ मिलेगी आपको, स्वीट के स्टॉल पे मिलेगी। आप स्वीट पे नहीं, अगर स्वीट के स्टॉल पे नहीं जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी, आइसक्रीम वाले पे नहीं मिल सकती है, खाना जामुना वहाँ नहीं मिल सकती है, यानी कहाँ मिलेगी, सिर्फ स्वीट पे मिलेगी, स्वीट स्टॉल पे ही मिलेगी और सिर्फ वहीं पे एक्सेस हो सकती है दोस्तों। वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, जिसको स्वीट खाना वही जा पाएगा। लेकिन वाटर इज कॉल्ड बिस्लरी वाटर दोस्तों, मतलब बिस्लरी वाटर क्या मतलब हुआ दोस्तों कि वाटर में पीने के काम के लिए क्या होगा कि जो हमारा कॉमन एरिया बना हुआ है वहाँ पे जो है कुछ बॉटल लगे हुए हैं जहाँ पे कुछ पीने का पानी रखा हुआ है, और दूसरी जगह जो है हमारा मतलब जो अपना हैंड वॉश करने के लिए या हाथ धुलने के लिए जो अलग से वाटर की व्यवस्था की गई है। तो उस वाटर में आप देख रहे हैं दोस्तों कि ऊपर जो हम सबसे लिखे थे वही उसी वाटर वाटर के अंदर हमने असाइन कर दिया बिस्लरी वाटर, यानी यहाँ पर हमने स्वीट वाले में एक्सेस कर लिया वाटर को, यानी वाटर कॉमन एरिया को हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया दोस्तों। तो ये स्ट्रिंग वाटर क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया, और ये जो आपका स्ट्रिंग स्वीट नेम लिखा है इसे हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं दोस्तों। उस तरह से दोस्तों ये हो गया आपका एक फंक्शन हो गया। इसी तरह से ढेर सारे फंक्शन, जैसे आइसक्रीम का फंक्शन, उसे दूसरा फंक्शन हो गया, इसमें भी वही सेम कहानी है दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, ये फंक्शन बन गए, तो आपके डेफिनेशन क्या हो जाएगी प्रोग्राम के दोस्तों। अब आप खुद भी बना सकते हैं अपने वर्ड्स में, अपने स्टेटमेंट्स में, जो जैसे आपको समझ में आती है कि वहाँ पे क्या था, ढेर सारे फंक्शंस थे, फंक्शंस मिल करके ही आपको क्या होता है, एक प्रोग्राम बन जाता है। ढेर सारे टास्क जगह जगह एग्जीक्यूट होते हैं, उन्हीं फंक्शन को अगर एक साथ मिला दो तो क्या हो गया, प्रोग्राम बन गया दोस्तों। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रोग्राम्स और कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना, स्टेटमेंट्स एंड फंक्शंस। स्टेटमेंट्स क्या था दोस्तों, जैसे हमने ऊपर ग्लोबल वेरिएबल लिखा दैट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट्स, फिर हमने ऊपर कोई और भी मान लीजिए वहाँ पे सिर्फ वाटर लिया था, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे वेरियस ढेर सारे स्टेटमेंट्स हम लिख सकते हैं, ढेर सारे ग्लोबल वेरिएबल ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट्स। और फंक्शन देख ही लिया आपने दोस्तों कि ढेर सारे फंक्शन थे, मेन फंक्शन है, स्वीट फंक्शन है, आइसक्रीम फंक्शन है, तो ये सारे फंक्शंस है। यानी प्रोग्राम्स का अगर कोई डेफिनेशन लिखने, अपने वर्ड्स में अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं दोस्तों, प्रोग्राम्स आर कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड फंक्शंस, राइट दोस्तों। अब सवाल दोस्तों, तो फंक्शंस क्या होते हैं दोस्तों, तो फंक्शंस में आप फंक्शन में देखा आपने ढेर सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे, तो फंक्शन की सिंपल सी डिफिनेशन हो जाएगी दोस्तों कि फंक्शन इज कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना, स्टेटमेंट्स, और उनका एक काम होगा दोस्तों, एंड प्रोग्राम एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। हर कोई, हर फंक्शन, हर स्टॉल जो हमने एग्जाम्पल लिया आपने कि स्वीट का स्टॉल है और आपका आइसक्रीम का स्टॉल है, खाने पीने का स्टॉल है, तो क्या कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक एक अपना काम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें लगे हैं, ढेर सारे स्टेटमेंट्स हैं, ढेर सारी चीज़ें लगती हैं स्वीट्स को बनने में, ढेर चीज़ें लगती हैं आइसक्रीम को बनने में, ढेर चीज़ें लगती हैं आपको खाने को बनने में। तो जो जो चीज़ें लग रही हैं दोस्तों, जो एक एक सामान लगती हैं, उनको हम स्टेटमेंट्स ट्रीट कर सकते हैं, और जब बन के जब बन करके तैयार हो जाती है आइसक्रीम या स्वीट्स या खाना या फूड जो भी होता है आपका, जब वो तैयार हो जाते हैं तो वो टास्क कंप्लीट हो जाता है। यानी कई चीज़ें मिल करके एक फंक्शन को बनाती हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी गई है बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, फंक्शन इज कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स
एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। हर किसी फंक्शन का अपना एक टास्क होता है, एक स्पेसिफिक टास्क है जिसको परफॉर्म करना होता है। तो बहुत सिंपल सी डिफिनेशन दोस्तों प्रोग्राम और फंक्शंस की, आशा करते हैं कि हम आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तो अब दोस्तों अगर हम इसे जो है एक जनरलाइज करें और एक जनरल फॉर्म में अगर हम थोड़ा सा इसे एलेबोरेट करें और तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि किसी भी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि पहले कमेंट्स आते हैं, उसके बाद प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स आती हैं, उसके बाद कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जो कि सबसे बाहर होते हैं जो कोई भी यूज कर सकता है, उसके बाद जो फंक्शंस के अंदर जो वेरिएबल लिए जाते हैं दोस्तों उनको हम लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। तो कुछ लोकल वेरिएबल्स होंगे दोस्तों, फिर मेन फंक्शंस होता है दोस्तों, मेन फंक्शंस जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों, जो मेन गेट होता है, अगर उस गेट का पता नहीं तो हम कहीं जा नहीं पाएंगे। तो मेन फंक्शंस के अंदर सारे फंक्शंस को हम कॉल करते हैं, सारे फंक्शंस को हम यूटिलाइज करते हैं, जो एक्सेस करते हैं। तो मेन फंक्शन होता है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री, फंक्शन फोर, इस तरह से जो है ढेर सारे फंक्शन आप बना सकते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, और कमेंट्स दोस्तों कहीं भी लिखा जा सकता है, यानी कमेंट्स नोट में हमने लिखा है कमेंट्स यू कैन पुट एनी वेयर थ्रू आउट द प्रोग्राम। यानी कहने का मतलब दोस्तों प्रोग्राम के ऊपर जो हमने कमेंट्स लिखा था तो वो कमेंट्स सिर्फ ये तो प्रोग्राम के लिए बता दिया, फंक्शंस के बारे में भी लिख सकते हो, फंक्शंस के जस्ट ऊपर लिख सकते हो कि ये फंक्शंस क्या काम करता है, दूसरा फंक्शंस क्या काम करता है। तो कमेंट्स कई लिखे जा सकते हैं, हर हर स्टेटमेंट्स के आगे कमेंट्स लिखा जा सकता है कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है। यानी कमेंट्स आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे दोस्तों उतना बेहतर होता है प्रोग्राम, उतना बेहतर आपका दिखता है। किसी भी बंदे को दिखाओगे तो वो बोलेगा हाँ प्रोग्राम की जो स्टाइल है, जो करने की स्टाइल है बहुत अच्छी है। तो कमेंट्स जरूर लिखना चाहिए दोस्तों, कमेंट्स नहीं लिखेंगे तो भी प्रोग्राम रन करेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कमेंट्स नहीं लिखेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन कमेंट्स जो है दोस्तों एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है, एक अच्छे प्रोग्रामर की आदत होती है, उसे ज़रूर लिखना चाहिए हम लोगों को। तो दोस्तों आपने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम क्या हो गया कि कमेंट्स हो गया, प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स होंगी, ग्लोबल वेरिएबल हो गया दोस्तों, लोकल वेरिएबल्स होंगे, और मेन फंक्शंस हो गया दोस्तों, और ढेर सारे और भी फंक्शंस हो गए। इन सारे को मिल करके एक हमारा प्रोग्राम बनता है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको हमारे हिसाब से फंक्शंस और प्रोग्राम के बारे में समझ हो गई होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने आपको बताया कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी पहले से अगर पढ़ लेंगे आप लोग तो उसे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स दोस्तों हम पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों क्या पढ़ेंगे कि प्रोग्राम प्रोसेस फ्लो क्या होता है, मतलब किसी भी प्रोग्राम का फ्लो क्या होता है। जैसे कि प्रोग्राम जो लिखते हैं हम लोग तो एक फाइल बनती है हमारी, उसके बाद जो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तब एक फाइल बनती है दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों जो है प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारी लास्ट में ईएक्सई बनती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसे कैसे क्या फ्लो होता है उसका। जैसे कि हमने बताया सोर्स कोड, प्री प्रोसेसर क्या होते हैं वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे, फिर उसके बाद कंपाइलर क्या होते हैं, कंपाइलर फिर क्या करता है दोस्तों, फिर असेंबलर, सोर्स कोड क्या है, फिर जो है ऑब्जेक्ट कोड क्या है दोस्तों, फिर उसके बाद जो है हम एग्जीक्यूटेबल कोड क्या है दोस्तों, ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस चैनल को जो लोग सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, आगे ढेर सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी आपको, ढेर सारी वीडियो हम डालेंगे इसके ऊपर जिसमें हम क्रम बाई क्रम करते करते हम सारी चीज़ों को सीखते जाएंगे दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें, आप लाइक जब करते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छी तरह से इसको करने के लिए प्रेरित होते हैं इस लाइक से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। कमेंट्स अगर आप लिखते हैं तो कमेंट्स से क्या होता है दोस्तों कि हमें पता चलता है कि हम जो वीडियो बना रहे हों वो सही डायरेक्शन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, अगर नहीं बना रहे हैं तो हमें सही डायरेक्शन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये इसलिए दोस्तों कमेंट्स ज़रूर लिखें। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इस चैनल पे डाली जाने वाली जितनी भी वीडियो हैं, जितनी वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और जब अपलोड हो तुरंत आपके पास पहुँचे और आप सबसे पहले देख पाएँ, तो दोस्तों सब्सक्राइब जब करते हैं तो उसके साइड में ही एक बेल आइकन आता है और उसको प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।